वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी एवरीवन। देखिए यूपी ट्रिपल एस सी लोअर सबॉर्डिनेट की टेस्ट सीरीज चल रही थी, एग्जाम डेट आ गई है इसकी 30 सितंबर। अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। 87 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे, यह है टेस्ट नंबर 88। सो इंपॉर्टेंट होंगे सारे के सारे प्रश्न। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। जितनी भी टेस्ट सीरीज चैनल पर चल रही हैं सबका प्ले लिस्ट में लिंक बना रखा हो, प्ले लिस्ट का लिंक हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। पहला प्रश्न क्रमांक संख्या 1, अकबर के किस अभियान के दौरान उसका विश्वास पात्र सेनापति बीरबल मारा गया? बताइए, काबुल आक्रमण के दौरान उसका जो विश्वास पात्र सेनापति था जिसका नाम था बीरबल, वो मारा गया काबुल आक्रमण के दौरान। और बीरबल का जो वास्तविक नाम है पूछ लिया जाता है, इसका नाम था महेशदास। तो अकबर ने 1586 में मान सिंह के नेतृत्व में काबुल पर आक्रमण करवाया जिसमें अकबर का विश्वास पात्र सेनापति बीरबल मारा गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस गुजराती पायलट या चालक ने वास्को डी गामा 1498 का कालीकट तक मार्गदर्शन किया था? ऐसे ऐसे प्रश्न ही पूछे जाते हैं पीसीएस जैसी परीक्षाओं में। ऊटपटांग क्या उचित है इस प्रश्न का, लेकिन पूछा जा सकता है। इसका आंसर है अब्दुल मजीद ने। भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने की। 1498 में आया था ये भारत, तो इसका मार्गदर्शन किया था अब्दुल मजीद ने। किसने? अब्दुल मजीद कौन था? एक गुजराती पायलट या चालक। तो 1498 में वास्को डी गामा 2002 जहाज़ों के साथ कालीकट पहुंचा। इस यात्रा का मार्गदर्शन गुजराती यात्री अब्दुल मजीद ने किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, अकबर की कल्याणकारी नीतियों को कालानुक्रम में सजाना है। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, तो बहुत पूछी जाती हैं। और ये तो 3-4 एक साथ दे दी, उसमें एक सिंगल ही पूछ लेता है कि इसकी डेट बताइए, कब किया था इसने ये कहा, जजिया कर की समाप्ति कब की, सती प्रथा पर रोक। अकबर की कल्याणकारी नीति को कालानुक्रम सजाना है, बताइए तीसरे का आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले तीर्थ यात्रा कर को इसने समाप्त कर दिया, उसके बाद जजिया कर की समाप्ति कर दी, उसके बाद सती प्रथा पर रोक लगा दी, और उसके बाद शराब की बिक्री, तीनों के तीनों सुमेल हैं पहले से ही। तो आंसर हो जाएगा इसका 1, 1, 2, 3, 4। तो अकबर की धार्मिक, अकबर अपनी धार्मिक व कल्याणकारी नीतियों के लिए भी जाना जाता है। उसने हिंदू शाही राजघरानों से अच्छे संबंध कायम किए थे और इसी आधार पर तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया, हिंदुओं से जजिया कर को समाप्त कर दिया उसने, और सती प्रथा पर रोक लगा दी, और शराब बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया सबसे एंड में इनके अनुसार। क्वेश्चन नंबर 4 है, अकबर के दरबार में महेशदास किसका उपनाम था? अभी तो बताया बीरबल का उपनाम था महेशदास। तो अकबर के मनसबदार में 2 मनसबदार गैर राजपूत थे, राजा टोडरमल और बीरबल, जिनका था नाम था महेशदास। क्वेश्चन नंबर 5 है, आदिल शाह ने निम्नलिखित में से किसे विक्रमाजीत की उपाधि दी थी? किसको दी थी आदिल शाह ने विक्रमाजीत की उपाधि? ये दी थी हेमू को। किसको दी थी? हेमू को विक्रमाजीत की उपाधि किसने दी? आदिल शाह ने। तो हेमू आदिल शाह की सेवा में था और वह 22 लड़ाइयां लड़ चुका था और एक में भी उसे हार का सामना नहीं किया उसने, और आदिल शाह ने उसे विक्रमजीत की उपाधि देकर अपना वजीर नियुक्त किया। क्वेश्चन नंबर 6 है, अकबर ने अधम खां को किस आक्रमण का नेतृत्व प्रदान किया था? किसको किया था? ये किया था मालवा को। किसको? मालवा को। तो अकबर ने अपने सौतेले भाई अधम खां को मालवा का नेतृत्व, मालवा पर आक्रमण करने वाली सेना का नेतृत्व प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, अकबर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? उसी को छांटना जो असत्य है। तो अकबर ने साम्राज्य का विस्तार 12 सूबों में किया था, करेक्ट। अकबर ने प्रति संतुलन सिद्धांत पर आधारित सुशासन का विस्तार सूबों में किया था, यह भी करेक्ट है। प्रत्येक सूबे में सूबेदार, दीवान बख्शी, सदर, काजी और बाकियानवीस नियुक्त किए जाते थे, ये भी करेक्ट है। अकबर के काल में आला काजी का पद सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। देखिए गलत है, ऐसा कुछ नहीं था। अकबर के काल में आला काजी अब्बू नंबी के भ्रष्टाचार और धन लोलुपता के कारण यह काफ़ी बदनाम पद था।
श्रेष्ठ नहीं माना जाता था, काफ़ी बदनाम पस्था ये। क्वेश्चन नंबर 8 है, गेंगई कोट चोलपुरम की स्थापना किस चोल शासक के शासनकाल में हुई? बताइए, गेंगई कोट चोलपुरम की जो स्थापना हुई किस शासक के शासनकाल में हुई? तो राजेंद्र फर्स्ट के शासनकाल में हुई। तो देखिए, राजेंद्र प्रथम ने एक सैनिक अभियान कलिंग के रास्ते बंगाल पर शासन किया था। इसकी सेना ने गंगा को पार करते हुए स्थानीय राजाओं को हराया। उसने इस अभियान में समुद्रगुप्त के मार्ग का अनुसरण किया था और विजय स्मृति के रूप में कावेरी के मुहाने पर एक नई राजधानी बनाई, जिसे गंगई कोंड चोलपुरम नाम दिया गया था, अर्थात गंगा के विजेता। चोलकालीन स्थापत्य कला दक्षिण भारत की श्रेष्ठ कला सूचक है। इनमें से कौन विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना है? बताइए, यह नटराज। तो चोल काल में दक्षिण भारत ने मूर्तिकला की ऊंचाइयों को स्पर्श किया, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है नटराज की प्रतिमा। और यह प्रतिमा कांस्य से बनी होती थी तथा गोमतेश्वर की विशाल मूर्ति इसी का उदाहरण है। 10वां प्रश्न है, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम संबंधित है, ये तो इतनी बार रिपीट किया होगा। क्या है गोपुरम दक्षिण भारत की शैली के मंदिरों में? तोरण पर बने अलंकृत और बहुमंजिला भवन या द्वार हैं। देखिए, गोपुरम पांडे शासकों की स्थापत्य कला की विशेषता है। इस काल में मंदिर छोटे बनाए जाते थे, परंतु उनके चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। यह प्राचीर तो सामान्य होते थे, लेकिन इनके प्रवेश द्वार जिन्हें गोपुरम कहा जाता था भव्य एवं विशाल होते थे, जो प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत थे। इनके काल की विशेषता वास्तुकला ना होकर गोपुरम थी, अतः ये तोरण पर बने अलंकृत बहुमंजिला भवन द्वार हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसे समर्पित है? किसको समर्पित है ये? ये शिव को भी समर्पित है, विष्णु को भी समर्पित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिव और विष्णु दोनों को। तो चोल राजा राजराज प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर बनाया, जो शिव व विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। 12वां प्रश्न है, चोल काल में ग्राम प्रशासन की इकाई थी, क्या थी? ये थी उर और महासभा। चोल काल में ग्रामीण प्रशासन की इकाई उर और महासभा थी। तो चोलकालीन अभिलेखों से हमें इस साम्राज्य के प्रशासन की अधिक जानकारी प्राप्त होती है। यह प्रशासन दो इकाइयों में बटा था, उर और महासभा, जिसमें उर गांव की आम सभा थी और महासभा गांव के वयस्क ब्राह्मण सदस्यों की सभा थी। इन्हें अग्रहार भी कहा जाता था। अग्रहार जिस भूमि में रहते थे वह लगान मुक्त भूमि होती थी। फिरोज शाह तुगलक के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? मतलब तीन यहाँ पर करेक्ट हैं, एक है इनकरेक्ट। उसने दक्कन पर अधिकार का प्रयत्न ही नहीं किया, करेक्ट है ये। उसके समय में बंगाल सल्तनत से बाहर हो गया, ये भी करेक्ट है। उसने जो सबसे लंबा संघर्ष किया वो गुजरात और थट्टा के विद्रोह को दबाने में किया, यहाँ भी ये करेक्ट है। उसने दक्कन पर दक्षिण के किसी राज्य पर आक्रमण नहीं किया, ये गलत है। देखिए, किया था उसने उड़ीसा पर, डी हो जाएगा इसका आंसर। तो फिरोज शाह तुगलक ने जाजनगर उड़ीसा के शासक पर आक्रमण किया और वहाँ के मंदिरों को नष्ट करके धन लूट लिया, लेकिन उड़ीसा को सल्तनत में मिलाने का प्रयत्न नहीं किया। तो आक्रमण तो किया, इसने गलत अड़ी। क्वेश्चन नंबर 14 है, मध्यकालीन भारत के किस फारसी लेखक को नायक का खिताब दिया जाता था? किसको दिया जाता था? अमीर खुसरो को दिया जाता था। तो देखिए, अमीर खुसरो का जन्म 1252 में पटियाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश बदायूं में हुआ। इन्हें भारतीय होने पर गर्व था। यह एक कुशल संगीतज्ञ थे और निजामुद्दीन औलिया की सभा में भाग लेते थे। इन्हें नायक के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 15 है, तूतीनामा, तूतीनामा के रचनाकार कौन है? तूतीनामा के रचनाकार हैं जिया नक्शवी। कौन है तूतीनामा के रचनाकार? जिया नक्शवी। तो जिया नक्शवी दिल्ली सल्तनत में एक ऐसा पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं का फारसी भाषा में अनुवाद किया। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में तूतीनामा फारसी में लिखी गई, जिसका अनुवाद तुर्क एवं यूरोपीय भाषाओं में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना, एक तरफ है मध्यकालीन स्थापत्य और दूसरी तरफ है स्थान। कुब्बतुल इस्लाम दिल्ली
अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अजमेर में, कुतुब मीनार, कुरुक्षेत्र, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? गलत छाटना है तो अधिकतर गलत ही लग रहा है मेरे को तो। देखिए कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद दो दिल्ली में करेक्ट है, तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में करेक्ट है, कुतुब मीनार दिल्ली में है, तो तीसरा ही गलत है केवल, तो डी हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा इसका आंसर केवल 3। तो कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद कुतुब मीनार के निकट दिल्ली में स्थित है, जो पहले एक जैन मंदिर था और बाद में जिसे वैष्णव मंदिर में बदल दिया गया, और तुर्क शासकों ने इसे इमारत के लिए मस्जिद में बदल दिया था, तो कौन सुमेलित नहीं है इसमें? तो इसमें देखिए सी सुमेलित नहीं है, बाकी ऊपर के दोनों सुमेलित हैं। तो एक्सप्लेनेशन खाली इसी की आई है, लेकिन ये भी करेक्ट है, और कुतुब मीनार जो है वो दिल्ली में है, कुरुक्षेत्र में नहीं है, गलत है यहाँ पर, सी हो जाएगा केवल तीसरा गलत है। देखिए नीचे है एक्सप्लेनेशन, चलिए। वो अढ़ाई दिन का झोपड़ा पहले जो एक जैन मठ था, इसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, यह अजमेर में स्थित है, और कुतुब मीनार दक्षिण दिल्ली में स्थित 5 मंजिला इमारत है जिसे मुगल शासकों ने बनवाया था। चलिए हो गया कंप्लीट। अगला प्रश्न है, खुर्रम निम्नलिखित में से किसका उपनाम था? किसका उपनाम था खुर्रम? शाहजहाँ का उपनाम था ये, तो शाहजहाँ, शहजादा खुर्रम शाहजहाँ का उपनाम था, पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कृष्णदेव राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन गलत है? कौन सा गलत है इनमें से? उसने नौसेना के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया, करेक्ट, और इतावली यात्री पेश उसके दरबार में आया था, ये भी करेक्ट है, वह संस्कृत व तेलुगु का मेधावी विद्वान था क्या? था। उसका उत्तराधिकारी कृष्णदेव प्रथम नहीं था, उसका उत्तराधिकारी कृष्णदेव प्रथम नहीं था, तो कौन था? देखिए सदाशिव था उसका उत्तराधिकारी, जिसने 1567 में शासन किया, इसके समय में वास्तविक सत्ता राम राजा के हाथों में थी, अतः डी असत्य है और अन्य सभी सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, बन्नी हट्टी मतलब तालीकोटा की लड़ाई दक्षिण में किन किन राज्यों के बीच लड़ी गई? किन किन राज्यों के बीच? गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, विजयनगर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए इसे तालुकोटा या राक्षस तगंडी की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है, यह लड़ाई विजयनगर के खिलाफ अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर ने मिलकर लड़ी थी, जिसमें विजयनगर को हार का सामना करना पड़ा, इसकी सेना का नेतृत्व राजा राम कर रहा था, यह लड़ाई 1565 में लड़ी गई थी। अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, अकबर की गुजरात विजय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? अकबर ने 1572 में अहमदाबाद पर अधिकार कर लिया और खम्बायत में पहली बार समुद्र को देखा, ये भी करेक्ट है, इस समय पुर्तगालियों ने समुद्र पर वर्चस्व स्थापित किया था, यह भी करेक्ट है, तो डी यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा, इस अभियान में टोडरमल अकबर के साथ था, अकबर के साथ नहीं था वो। तो देखिए अकबर ने 1572 में अहमदाबाद पर आक्रमण करके गुजरात पर अधिकार कर लिया, उस समय मानसिंह और आम्बेर के जो भगवान दास उसके साथ थे, टोडरमल साथ नहीं था, उन्होंने माही नदी पार करके मिर्जाओं पर आक्रमण किया था। तो 20 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट थे, सब्सक्राइब कर लीजिए सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को, जितने भी टेस्ट सीरीज चल रही हैं उनका प्लेलिस्ट में लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए, धन्यवाद।